नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लॉगिंग चैनल्स के बारे में कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती है जो कि ब्लॉगर्स बन तो जाते हैं लेकिन वो उन चीज़ों को याद नहीं रखते, उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, जिसके चलते ना तो वो ब्लॉगिंग चैनल को ग्रो कर पाते हैं ना अपनी ब्लॉगिंग के कंटेंट को सुधार पाते हैं। और उसके जरिए जो आप जितने भी ब्लॉगिंग के कंटेंट बनाते हो आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका पैसा बर्बाद होता है, साथ साथ आप भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हो और अपने करियर को गवा बैठते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऐसी कुछ पांच चीजों के बारे में जानते हैं जो कि अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने ब्लॉगिंग चैनल को जो वो ग्रो कर ही लोगे। चलिए बिना टाइम गवाए यहां पर सबसे पहली चीज जो जाननी चाहिए वो आपको वो है यहां पर मोटिव। मेन चीज होती है हर एक ब्लॉगर का या फिर कंटेंट क्रिएटर की बात करें कि उसका मोटिव क्या है किसी भी वीडियो बनाने के पीछे, उसका चैनल कैसे चल रहा है और मेनली फोकस क्या है उसका कि आखिर में उसको अचीव क्या करना है। बहुत सारे लोग होते हैं बिना मोटिव के यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, बिना कुछ गोल सेट किए हुए यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं एंड फिर जो फाइनल जो उनका जो रिजल्ट आता है वो गेन नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो बस कुछ भी डालते हैं, कुछ भी करते हैं और कुछ भी मतलब अचीव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि आप अपना मोटिव सेट करो, आप अपना गोल सेट करो और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। ऐसे एक आप चार्ट प्रिपेयर कीजिए जहां पर आपको सभी चीजें लिखनी है और उसके बाद में आप जो है वो स्टार्ट कीजिए कि आपने कौन कौन से टास्क को कंप्लीट किया है। यानी कि आपको पूरा एक शेड्यूल बनाना है, आपको वहां पर अपने कंटेंट को लिखना है, आपको प्रिपेयर करना है कि आपने जैसे कि चैनल की प्रॉपर ब्रांडिंग की है या नहीं, आपका कंटेंट कंप्लीट हुआ है या नहीं, आपने वीकली अगर वीडियो डालते हो तो आपके वीक में कितने वीडियो सही जा रहे हैं या नहीं, या फिर जो भी जितनी भी चीजें होती है वो आपको प्रिपेयर करनी है, प्रॉपर आपको लिखनी है एंड फिर आपको उसको चेकआउट करना है कि आपकी कितनी चीजें कंप्लीट हो रही है। अगर आप सभी चीजों को कंप्लीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा, आप एक रेगुलरली काम कर पाओगे अपने चैनल के ऊपर एंड आप अचीवमेंट जो है वो प्रॉपर कर पाओगे टाइम के ऊपर। सो आपको यहां पर टाइम मैनेजमेंट एंड आपको यहां पर जो है एक मोटिव जो रखना है अपने चैनल के वो लेकर वो प्रॉपर आपको रखना होगा। सेकंड जो चीज आती है यहां पर दोस्तों वो है यहां पर आपको चेक एनालिटिक्स योर YT स्टूडियो। यानी कि बहुत सारे जो चैनल होते हैं जो चलाते हैं लोग वीडियोस डालते रहते हैं लेकिन उनको YT YouTube स्टूडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बहुत बड़ी चीज है ये YT स्टूडियो, एक टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसे चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, वहां पे आप DM करते हैं लोग, वहां पर आपको कमेंट करते हैं, उसी तरह यूट्यूब का भी एक प्रोग्राम है YT स्टूडियो और यहां पर आपको प्रॉपर चेक करना है कि कितनी आपकी एंगेजमेंट आ रही है, कितनी रीच आ रही है, लोग आपको कितना देखना पसंद कर रहे हैं, आपके कितने मिनट के वीडियोस होने चाहिए, सभी चीजें जो होती है वो आपको YT स्टूडियो में दिखाई जाती है। तो आप ध्यान रखें यहां पर कि आप अपने पूरे प्रिपेयर कीजिए, अपने YT एनालिटिक्स को देखिए कि क्या आपको डालना चाहिए YouTube वीडियोस और क्या आपको नहीं डालना चाहिए और सारी चीजें आप YT एनालिटिक्स देख सकते हो और आप YouTube से भी इसे सीख सकते हो। सो आप YT स्टूडियो को देखिए, जानिए एंड उन्हें सीखने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज जो आती है दोस्तों वो आती है अवेयर अबाउट यूअर नीस। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वीडियोस डालते हैं, बोलते हैं कि मैं डेली बेसिस का ब्लॉगर हूँ, मैं फैशन ब्लॉगिंग करता हूँ, फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन उनके यूट्यूब पर आप जब जाओगे वीडियोस देखोगे तो कहीं भी कुछ भी वीडियोस होगी। यानी कि अगर ब्लॉगिंग कर रहा है बंदा तो टेक्नोलॉजी की वीडियो डाल रहा है और अगर टेक्नोलॉजी की वीडियोस डाल रहा है तो वो कुछ फूड खाएगा तो उसकी वीडियो डालना स्टार्ट करेगा। यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जो मिक्स होती है, जिसे कि मिक्स कॉन्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज रखनी है कि आप अगर आपकी नीश परफेक्ट है, आपको पता है कि मेरा कंटेंट क्या बनाना है, मेरे को टॉपिक क्या है, तो उसी के बारे में बनाइए। यानी कि अगर आप अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको अर्निंग के रिलेटेड ही बनानी है, ना कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वीडियोस डाल रहे हो तो आप इंफॉर्मेशन की वीडियो ही डालो कि ना कि आप फैशन ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। तो ये सारी चीजें होती है कि परफेक्ट जिस हिसाब से आपकी ऑडियंस क्रिएट होती है उसी हिसाब से वीडियोस डालिए कि वो लोग आपके वीडियो को देखें, आपकी वीडियो को के लिए वेट करें आगे और उनको भी पता हो कि हाँ इसी टाइप की वीडियोस आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप रेगुलर बेसिस की वीडियोस डालें, रेगुलर बेसिस की जो वीडियोस जा रही है वो कैसी वीडियोस है, वो सेम कंटेंट होना चाहिए, वो सेम नीश होनी चाहिए, टॉपिक अलग हो सकते हैं लेकिन नीश सेम होनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ चीज जो आपको ध्यान
ध्यान में रखनी चाहिए वो है एडिटिंग। एडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडिटिंग से ही जो ऑडियंस होती है वो आपके वीडियो के ऊपर टिकती है। जी हाँ, आपका कंटेंट चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपका बोलने का तरीका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपकी एडिटिंग परफेक्ट है तो आप उसको सुधार सकते हो बाद में भी। आपको कैसा कंटेंट बनाना है, कैसा आपको जो उसको वॉइस को रखना है, क्या आपको ऑडियंस को दिखाना है, क्या आपको कट करना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग आप सीखिए। एडिटिंग ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर में ही कीजिए, आपको उसी सॉफ्टवेयर में करना है। एडिटिंग आप फ्री में कर सकते हो। एडिटिंग के लिए बहुत सारे जो है वो एप्लीकेशन है, फ्री है, प्रो है, और आपको पता है कि आजकल तो कहीं पर भी मिल जाते हैं। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एडिटिंग आपको सीखनी है, प्रो लेवल की सीखनी है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से सीखनी है, ताकि आप जो है एडिटिंग के अंदर काफी अच्छी चीजें बता सके और लोगों को एंगेज कर सके। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एडिटिंग को जो आपको थोड़ा सीरियस लेना है, एंड उसको आपको एक अलग से टाइम देके सीखना पड़ेगा। ओके, अब जो लास्ट और पांचवें नंबर की चीज आती है गाइस, वो है हमारी वैल्यू फ्रॉम योर वीडियो। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि वीडियो से उससे लास्ट में कुछ मिले, वो कुछ लेके जाए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन वीडियोस है, डेफिनेटली आप किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे। अगर कॉमेडी वीडियो है तो डेफिनेटली वो बंदा आपसे इंटरटेनमेंट होके जाएगा, यानी कि इंटरटेन होके जाएगा। अगर आपकी एजुकेशन वीडियो, जैसे आपकी एजुकेशन वीडियोज होती है, तो एजुकेशन में तो वैसे बहुत सारा वैल्यू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अर्निंग की वीडियोज बना रहे हो तो उसको भी अर्निंग होनी चाहिए, कुछ ऐसा जेन्युइन तरीका होना चाहिए। अगर जैसे टेक्नोलॉजी वीडियो है तो टेक्नोलॉजी वीडियो में भी क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्वांटिटी हो। ज़्यादा वीडियोज डालने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी दे रहे हो, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो, इन्फॉर्मेशन वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो, तभी आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे, तभी आपके व्यूवर्स जो है परमानेंट होंगे, तभी लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे एंड वापस आएंगे। तो व्लॉगिंग चैनल पे भी यही चीज होती है कि आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करवाइए, उनको इस तरह से सस्पेंस में अपने व्लॉग को खत्म कीजिए कि वो लोग अगले वीडियो के लिए जो वेट करें कि हाँ, वो बंदा अगर पिछले वीडियो में उस तरह ये टास्क कर रहा था तो इस वीडियो में ये करेगा। और उसको ज्यादा से ज्यादा इस तरह से एंगेज कीजिए कि वो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करे, आपको कमेंट करे, आपको पूछे, हर सोशल मीडिया पे आपसे जुड़ जाए। तो यही चीज होती है जो ब्लॉगिंग चैनल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि वो लोग आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, एंड आप जो एक इन्फ्लुएंस फैला सके पूरे सोशल मीडिया में, एंड आप जो इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को, एंड आप जो एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन सके सोशल मीडिया पर। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा इस वीडियो के नीचे, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, फिलहाल में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए टेक्निकल जुबान के साथ, और हाँ, मास्क पहनना मत भूलिएगा, क्योंकि कोरोना से लड़ाई मास्क के साथ।